सर मेरा क्वेश्चन ये है कि खुश कैसे रहें, मतलब आज के सुबह मैं 4:30 बजे से खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर आना है, हैप्पी सारे काम वाम करके आ रही हूँ, पर डेली लाइफ में क्या है, शादी से पहले भी शादी के बाद भी, अपना उठे कभी पढ़ाई कर ली, घर के काम कर लिए, फिर ये काम रात तक काम कर लिया, नौकरी कर लिया, आ गए सो गए, अपने लिए टाइम भी निकाल पाते सर, अपने शरीर को, अपना खाना पीना, अपना लंच, अपना ब्रेकफास्ट। तो और दूसरी चीज़, लाइफ में ऐसे लोग हैं पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में जिनका काम है 24 घंटे का भी निकालना, ये नहीं करा वो नहीं करा ऐसे नहीं करा, तेरे अंदर ये नहीं तेरे अंदर वो नहीं। मैंने सेशंस भी सुन लिया आपके भी, और ये सब आप कैमरे में बोलना चाहते हैं ये सारी बात? कोई बात नहीं सर, मतलब सब कुछ कर लिया, कमा लिया, दमा लिया, काम भी कर लिया, रोट भी कमा ली, सब कुछ कर लिया, खुशी नहीं आ रही। आज खुश हुई हूँ जाके, 6 महीने बाद हैप्पी हैप्पी। मैं समझ गया, टॉपिक बड़ा अच्छा है, खुश रहना है। हाँ, कि खुश कैसे रहें। बस क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि इंस्टेंटली अभी इसी मोमेंट में हम खुश रह सकें? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ आप कह रहे हो पॉजिटिव सोचो, तो ये तो पता है, बट कितने हैं जो एक्चुअल में 24 घंटे पॉजिटिव सोचते रहते हैं? नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव ज्यादा आते हैं? और एक बार उस नेगेटिव थॉट्स की साइकिल में हम फंस जाते हैं तो वहां से बाहर निकलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो द क्वेश्चन इज कि कैसे उस नेगेटिव थॉट्स की साइकिल से हम इमीडिएटली बाहर निकल सके, प्लस जब बाहर निकले तो वो टेम्पररी ना हो, वो सस्टेन भी हो सके। कि कभी कुछ नेगेटिव आया भी तो आया और गया, अभी उल्टा होता है। नहीं, नेगेटिव बना ही रहता है, पॉजिटिव थोड़ी देर के लिए कहीं से मेरा कोई सेशन देखा या कहीं से किसी की कोई बातें सुनी कुछ किया, थोड़ी देर के लिए एकदम से पॉजिटिव हो गए, फिर वापस से वहीं के वहीं पहुंच गए, ऐसा ही होता है। तो द पॉइंट इज कि कैसे हम इंस्टेंटली वहां से बाहर आए और प्लस उस स्टेट को हम सस्टेन भी कर पाए, क्या ऐसा कोई रास्ता है? सर आप ही के सेशन से सीखा था, खुशी दो खुशी मिलेगी। तो अगर आपको किसी भी मोमेंट में खुश रहना है तो आपको सब कुछ निकाल के खुशी बांटनी है। अगर जितना आप खुशी बांटोगे उतना आप खुश रहोगे। बट खुशी देने के लिए या किसी को कुछ देने के लिए पहले जेब में होना तो चाहिए? यस सर। आपकी जेब में पैसा होगा तभी तो दोगे? यस सर। थ्योरेटिकली तो हम दे सकते हैं, तो अब बात है कि वो हमारे अंदर खुशी कहाँ से आए, वो क्वेश्चन है। सर आई थिंक दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंटेंटमेंट। If I'm satisfied with the life that I'm having, I think I would be happy. And I think satisfaction आती है when I'll start thinking कि the life that I'm living is still a dream for a lot of people. I think satisfaction is one thing that can keep you happy. सिर्फ यही एक तरीका है खुश रहने का और कोई दूसरा तरीका नहीं। There is no other way to be happy. The only way is contentment. कि अगर हम satisfied हैं जो हमारे पास है उससे तो हम खुश हैं। सेटिस्फैक्शन को ही तो खुशी बोलते हैं, कहीं प्लेजर को तो खुशी नहीं समझ रहे हैं। प्लेजर्स जितने भी हैं जो हमारे सेंसेस के थ्रू हमको मिलते हैं, क्या वो खुशी है? मजा तो है उसमें, क्या उसमें खुशी होती है? खाते चले जाओ, बड़ा मजा आता है उसमें, तो क्या ये खुशी है या उसके बाद में दुख होता है कि मैंने सोचा था कि नहीं इस बार ओवर ईटिंग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, लेकिन फिर पागल हो गया देखते ही। तो प्लेजर और खुशी में पहले हमको फर्क समझना है। खुशी मतलब क्या, कि एक ऐसी स्टेट जो बनी ही रहे। इन अदर वर्ड्स, खुश रहने का सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका क्या है? अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन आर हार्ट, अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस दिल में, ऊपर ऊपर से बोलने के लिए नहीं, दिखाने के लिए, एक्चुअल में यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, योर माइंड विल बी रिलैक्स्ड इमीडिएटली इंस्टेंटली। माइंड की प्रॉब्लम पता है क्या है, कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट भी हो रहा है लेकिन अगर एक कहीं पर कोई गलत थॉट आ जाए, सिर्फ एक, ये क्या हो गया, उसके बाद क्या होता है? ये बात आप देख पा रहे हो? yes, अपनी लाइफ से रिलेट करना, अपने माइंड से रिलेट करना, जो आप चाहते थे वो सब हो गया, वैसा ही हुआ जैसा आप चाहते थे 5 साल पहले 10 साल पहले, सब कुछ हो गया है लेकिन कहीं कुछ गलत हो रहा है, माइंड वहीं पर अटका पड़ा है। जो हजारों लाखों चीजें सही हो रही है वहां पर हमारा ध्यान नहीं है, माइंड की यही प्रॉब्लम है। बाय डिफॉल्ट हम सबका माइंड, सिर्फ आपका माइंड या मेरा, सबका माइंड बाय डिफॉल्ट ऐसे ही काम करता है। कुछ गड़बड़ हो जाती है, किसी से थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, वही बात दिमाग में घूमती रहती है कई दिनों तक, ऐसा होता है नहीं होता? उसने कुछ सही कह दिया, वो घूमता है क्या? नहीं। सुना थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, फिर भूल भाल गए। गलत कह दिया तो वो बात कई लोगों को तो महीनों तक सालों तक भी पता नहीं कब तक याद रहती है, मरते दम मर रहे हैं जा रहे हैं, वो तुमने मुझे वो क्यों कहा था,
अरे बुड्ढी जा रही है तू, जा शांति से अब। ये माइंड की प्रॉब्लम है, पहले हमको प्रॉब्लम को समझना है तभी तो हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे ना। डू यू गाइज वॉन्ट कि इसमें हम थोड़ा सा डीप में चल करके देखें या बस ऊपर ऊपर लेवल पे बात करके खत्म करें? क्योंकि बात तो समझ आ गई, हाँ कंटेनमेंट, हाँ ठीक है, तो हमको पता था इसमें नया क्या है, बट देखते हैं ना प्रैक्टिकली कि इसको अपनी लाइफ में कैसे उतारना है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। आप सोचो आपकी जो ड्रीम जॉब है वो भी आपको मिल गई, क्या वहां पे सब कुछ परफेक्ट होगा? आपकी ड्रीम वाइफ या आपका ड्रीम हस्बैंड आपको मिल गया, जबकि आई एम नॉट टू श्योर ड्रीम हस्बैंड क्या होता है, हस्बैंड हस्बैंड होता है, इट इज अ कॉमन नाउन, इट इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। ध्यान से देखिए, शादी किसी और से, अट्रैक्शन किसी और की तरह। अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि अट्रैक्शन ना हो, बट हाउ टू डील विद इट That you need to figure out. उसी का एक तरीका है जो हमारे पास है, उसकी कदर करो और उसका थैंकफुल करो। आपके पास क्या है, कुछ है या नहीं है? यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो अगर देखा जाए तीन चीजें बोलते हैं ना जो बहुत जरूरी है लाइफ में सर्वाइव करने, रोटी कपड़ा मकान। इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास कपड़ा नहीं है? यहाँ पर तो एक भी नहीं दिख रहा मुझे, कोई भी नंगा नहीं दिख रहा मुझे, सब कपड़े पहन के आए हुए हैं बढ़िया से बढ़िया। फिर ये छोटी चीज है, कितने लोग हैं वो मर जाते हैं क्योंकि उनके पास में कपड़ा नहीं है। इन बातों को अगर आप बारीकी से देख पाओ, और मजे की बात क्या है, यहां पे प्रॉब्लम क्या है, आपके माइंड की हैबिट नहीं है इस तरीके से देखने की। माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग कुछ और ही है, डिफॉल्ट सेटिंग है माइंड की यहां भागने की, आपको यहां आना पड़ेगा, खुशी यहां है, वहां तो है ही नहीं। माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? ये हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग यही नहीं है, यहां पे खुशी है। अब आता है कि अब क्या करें, चैलेंज आपको समझ में आ रहा है ना, माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग है। और माइंड कितना पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, ये बात पता है ना आपको। एक तरह का एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आपके थॉट चल रहे हैं, एक्शन चल रहे हैं, फीलिंग्स, इमोशन, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही तो काम कर रहा है ना। आपका सॉफ्टवेयर अलग है, इधर का सॉफ्टवेयर अलग है, तो सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा। माइंड को चेंज करने का मतलब सॉफ्टवेयर को, ये नहीं कि हम ऊपर ऊपर लेवल पे बोल दें कि हाँ नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो यहां पर बैठे हुए ये बातें कर रहे हो, घर जा करके ये बातें करोगे, जब दो चार गालियां पड़ेंगी उसके बाद में सब भूल जाओगे, अबे तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, वहां के ये बोलोगे कि नहीं मुझे पॉजिटिव सोचना है, बोला है अच्छे के लिए तो बोला है, मेरे भले के लिए बोल रहा है, ऐसे सोचोगे ना जी, वहां तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मतलब हम दो गुले हैं सारे के सारे, सच है नहीं है? इसीलिए हम एक्चुअल में कभी खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम होते कुछ और है अंदर से, बाहर से दिखाते कुछ और है। अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो प्यार का मतलब क्या, क्या बोलने से कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, और मन ही मन किसी और के बारे में सोच रहे हैं, क्या वहां से होता है प्यार? कैसे होता है प्यार, बोलने से हो जाता है? या हम कुछ नहीं भी बोल रहे हैं बट उस पर्सन को ये समझ आ रहा है हमारी नजरों से ही कि आई एम एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड विद यू, आई एम थैंकफुल टू यू एंड टू दिस यूनिवर्स कि यू आर विद मी। अगर ये आप बोलो नहीं सामने वाले को, लेकिन आपकी आंखों में उसको नजर आए, कैसा होगा आपका रिलेशन? अपने ऊपर रख करके देखो, आपको ऐसी वाइफ मिल जाए या ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो क्या करोगे आप? कभी ना छोड़े, सिर्फ कभी ना छोड़े, या फिर Now you can go up to any extent to make her happy. अगर आप बैठ करके उस पर्सन की, उसमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी, कुछ भी नहीं होगी। कभी ना कभी आप बीमार हुए होंगे जब आपके साथ में कोई भी नहीं था और वो बंदा साथ में बैठा हुआ था, हो सकता है? नहीं हो सकता है? कुछ ना कुछ तो होता है ना हर एक में, कुछ ना कुछ तो। अगर उन्हीं एक्सपीरियंसेस को आप बार 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 याद करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो धीरे धीरे रिलेशन बदलने लग जाएगा, आपकी नजर बदलने लग जाएगी। ऐसे इंसान के साथ हर कोई टाइम स्पेंड करना चाहेगा। किस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है? जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो सुबह से रात तक बस कमियां ही निकालता रहता है, या फिर वो बंदा जो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से? अब सेटिस्फाइड का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर सकते, बल्कि ग्रो करने के लिए भी
अंदर सेटिस्फैक्शन चाहिए। सेटिस्फैक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? पीस ऑफ माइंड से है। किसी काम को आप पीसफुली करो तो उसमें ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे, या इरिटेट होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के, फड़फड़ा करके, बौखला करके, तब ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाओगे पीस ऑफ माइंड से। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि सॉफ्टवेयर को चेंज कैसे करें। तो चेंज कैसे होगा? ये सॉफ्टवेयर लगाओ थोड़ा सा दिमाग, लिखना पड़ेगा। जिस भी चीज को हम लिख देते हैं और लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो क्या होता है उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है हमारी ब्रेन पे? प्रैक्टिकली करके देखना, जहां से जब आप घर जाओगे रात को सोने से पहले, एक बार एक पेपर पेन ले लो, लिस्ट बना लो। अब ये मैंने बोला तो है, बट आई एम नॉट टू श्योर कितने करेंगे। सच में बताओ कितने करने वाले हैं प्रैक्टिकली? कमिटमेंट दो मेरे को। और यहां पे क्लॉज लगा देता हूं, वो नहीं होता वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि अगर आपने इसको 10 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया, अगर आज रात आपने ये नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। अगर आप सिर्फ ये लिखते चले जाओ, मेरे पास में क्या है, कुछ चीजें हैं आपके पास में, कितना कुछ है, रहने के लिए एक घर होगा, ये छोटी चीज होती है क्या? मतलब घर होना, करोड़ों लोगों के पास में घर नहीं है इंडिया में। 24 घंटे आपको सिर्फ यही नजर आ रहा होगा, अंदर से दिल से यही निकल रहा होगा, क्या कमाल हो रहा है। पता है कैसा हो जाता है फिर उसके बाद में? क्योंकि अब आपका जोन बदल चुका है, बाकी की दुनिया से बिल्कुल अलग जोन है। आप सड़क पे भी कहीं जा रहे होगे, मान लो गाड़ी चला रहे हो, बाइक पे हो, पैदल चल रहे हो, किसी को भी देखोगे ना तो अंदर से पता है क्या दुआ निकलने लग जाएगी, जो आपने अपने से, आई एम नॉट श्योर कितनों ने सुना है कितनों ने नहीं, सर्वे भवंतु सुखिनः। अब इसको चाहे आप संस्कृत में बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, अरे सब खुश रहे। कहीं से निकल रहे होगे, कोई बंदा चलता हुआ दिख रहा है, ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, ये भी खुश हो जाए, मतलब दिल से सिर्फ दुआएं निकल रही है। तो जब दिल से दुआएं निकलती रहती हैं, अब क्या हो रहा है जिसकी आपने बात करी थी, किसने कहा था खुशी बांटो? हाँ, इन्होंने कहा था। ये है खुशी को एक्चुअल में बांटने का मतलब। पूरे यूनिवर्स के लिए आपके दिल से दुआएं निकल रही है, जहां भी हो, एफर्टलेसली। सॉफ्टवेयर बदल चुका है, अब इसकी अगली स्टेज आएगी। जब डू यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इसकी अगली क्या होती है? जब आप एक कनेक्शन जो ऑलरेडी हम सबके बीच में है, आपका इस यूनिवर्स के साथ में है, लेकिन उससे हम कटे पड़े हैं, इस कटने को ही ईगो बोलते हैं। मैं बकरी की तरह, इसीलिए कटती है बकरी, कटती है ना, इसीलिए कटते हैं। मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, ये सब हट जाता है फिर यहाँ से, फिर हम आने लग जाता है। जो मैं करने वाला हूँ उसका असर इस पूरी दुनिया पे होने वाला है, और जो दुनिया कर रही है उसका असर मेरे पे हो रहा है, तो क्यों ना मैं कुछ ढंग का ही करूं, क्यों मैं किसी के साथ गलत करूं। ऐसी ऐसी फीलिंग अंदर से आने लग जाएगी। यू आर गेटिंग द आंसर? आपने क्वेश्चन पूछा था, आपको मिल रहा है आंसर? एक डायरी लेनी है, यहीं कहीं मार्केट से मिल जाएगी, नीचे यहीं पे एक दुकान है, 20 रुपए में से 5 रुपए मेरे हैं, तो वहीं से लेना। ठीक है सर। भैया ऐसे थोड़ी खर्चे चलते हैं। तो आप एक डायरी ले लोगे, लिखना शुरू कर दोगे, ये करोगे या नहीं करोगे? पक्का करूंगी सर। पक्का? पक्का सर। प्रॉमिस? सर यस। गॉड प्रॉमिस? पक्का पक्का प्रॉमिस, गॉड गॉड प्रॉमिस। डेली डेली आज एक घंटा कुछ है आपके पास में लाइफ में, अगर एक्चुअल में आप लिस्ट बनाने लगे। इट्स अ ड्रीम लाइफ व्हिच आई एम लिविंग। आई जस्ट रियलाइज्ड व्हेन यू से दैट योर लाइफ इज अ ड्रीम लाइफ फॉर अदर्स। नहीं नहीं, देख रहे हो, थॉट प्रोसेस चेंज होने में 1 सेकंड लगता है, बट अब पॉइंट ये आ रहा है जो हम नेक्स्ट लेवल की बात आज यहाँ पे कर रहे हैं। अभी तो चेंज हो गया, बट इसको सस्टेन कैसे करें? कि ये जो अभी आपने बात यहाँ पर कही, और अभी जैसा फील कर रहे हो, अभी अच्छा फील हो रहा है अंदर से, बहुत अच्छा है ना, हल्का फील हो रहा है, ऐसे ही एक हफ्ते बाद भी फील हो, एक महीने बाद भी, एक साल बाद भी ऐसे ही फील हो। सब कुछ है सर, सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है सर, कोई कमी ही नहीं है सर। गवर्नमेंट टीचर हूँ, सब कुछ है मेरे पास। अब बताओ इससे ऊपर और क्या होगा यहाँ पे? इंडिया में लाखों लोगों का वो सपना है,
तो जो लोगों का सपना है वो सारे सपने आपके सच हुए पड़े हैं। मेरी लाइफ में भगवान की दया से फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। हेल्थ अच्छी है, वेल्थ अच्छी है, बेबी में आई हैव अ डॉटर। यू हैव अ बेबी डॉटर है आपके पास, सर बहुत प्यारी है। डॉटर्स तो होती प्यारी है, ये लड़के निकम्मे होते हैं। जो कमी है वो मुझ में ही है। आप में भी नहीं है कमी, कभी ये मत बोल देना। एक मिनट, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा यहाँ पे इनको। आप में कोई कमी नहीं है, ये माइंड में कमी है, ये सॉफ्टवेयर में कमी है। आप सॉफ्टवेयर थोड़ी हो, आप जब चाहे इस सॉफ्टवेयर को बदल सकते हो। नहीं, यस, आपकी हेल्थ परफेक्ट है, वेल्थ परफेक्ट है, हस्बैंड भी है, प्यार करने वाले हैं, हस्बैंड है, प्यार करने वाला है। तो जैसे ही हम इस थॉट प्रोसेस को ठीक करते हैं और प्रैक्टिकली अगर आपने इसको करना शुरू कर दिया, तो आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग ऑन अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर। आने वाले एक महीने तक अगर आपने लग करके इसको कर लिया, जो मैं आपको कह रहा हूं, जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। पूरी मतलब पूरी तरह से। आफ्टर वन ईयर यू विल बी अ कंप्लीटली चेंज्ड पर्सन। आप यहां पर खड़े हो गए, मैं वहां पर बैठा हूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you.